इनके पांव पीछे की ओर तथा एड़ी और मुख आगे की ओर होते हैं। इन कृमियों का वर्णन करने वाले शब्द इस मंत्र में खलजाह, शक धूमजाह, डरुंजाह, मटमटाह, कुंभ मुष्काह, अयाशवह ये हैं। इनमें शक धूमज शब्द का अर्थ गोबर के धुएं से उत्पन्न होना है। अन्य शब्दों के अर्थ अभी तक विशेष विचार करने योग्य स्पष्ट नहीं हुए हैं। पाठक इनकी खोज करें और अधिक यत्न के द्वारा इनके अर्थ को जानें। इस सूक्त में ऐसे और भी बहुत से शब्द हैं कि जिनका अर्थ स्पष्ट खुलता नहीं है। ये कृमि स्त्रियों के शरीरों में रोग उत्पन्न करते हैं। इस विषय में कहा है कि जो हाथों में अपने सींगों को धारण करते हैं और स्त्री के पास पहुंचते हैं, जो चमकते हैं और पाकशाला में निवास करते हैं, उनका नाश करते हैं। ऐसे कृमि स्त्रियों के शरीर में घुसते हैं और वहां विविध रोग उत्पन्न करते हैं, अतः इनका नाश करना योग्य है। इस वर्णन का स्तंभ में ज्योति करने का क्या कार्य है इसका ज्ञान नहीं होता, इसकी भी खोज होनी चाहिए। इस सूक्त में रोग जंतुओं के दो भेद कहे जाते हैं, एक सूक्ष्म और एक बड़े। यहाँ तक सूक्ष्म कृमियों का वर्णन हुआ, अब बड़े मच्छर जैसे कृमियों का वर्णन देखिए। मच्छरों का गायन गधा जैसे शब्द करने वाले जिनके पास चुभाने के लिए सुई जैसे हथियार होते हैं, जिनका पेट बड़ा होता है, जो सायंकाल के समय घर के पास नाचते हैं, इनका गंध से नाश कर। यह वर्णन प्राय मच्छरों अथवा मच्छर जैसे कीड़ों का वर्णन है, वे शब्द करते हैं। सायंकाल इनका शब्द सुनाई देता है। इनके काटने की सुइयां बड़ी तीक्ष्ण होती हैं। इनका नाश करने के लिए उग्र गंधवा के अथवा सुधनवा के पदार्थ जलाना चाहिए। उद या धूप जलाने से और घर में इनका धुआं करने से मच्छर हटते हैं, यह आज का भी अनुभव है। इसी प्रकार उग्र गंध वाले पदार्थ भी जलाने से इन कीटों को हटाया जा सकता है। इन्हीं का वर्णन निम्नलिखित मंत्र में किया गया है। मच्छरों के शस्त्र प्रतिहि अर्थात काटने वाले, दुर्शानी अर्थात दंश करने के साधन अपने पास धारण करते हैं। ये शब्द करते हैं और जंगल में नाच करते हैं, इनका नाश करते हैं। यह वर्णन भी पूर्व के ही समान मच्छरों का वर्णन है। मच्छरों के मुखों में जो काटने के साधन होते हैं, उनका नाम यहाँ दोष दिया गया है और काटने के कारण ही इनको कृति अर्थात काटने वाला कहा है। ये ज्वर आदि को बढ़ाते हैं, इसीलिए इनका उग्र गंध वाले पदार्थ जलाकर नाश करना उचित है। इस मंत्र में और पूर्व मंत्र में कई ऐसे शब्द हैं कि जिनका अर्थ स्पष्ट नहीं ज्ञात होता। ये शब्द खोज के योग्य हैं तथा और देखिए, मच्छरों के स्थान ये कृमि वस्त्र अर्थात चर्म आदि पर रहते हैं, इनको दुर्गंध आती है, इनके मुख लाल होते हैं, इन मशकों का अर्थात मच्छरों का नाश करते हैं। इस मंत्र में मकक शब्द बहुत करके मच्छरों का वाचक है। वस्त शब्द के निश्चित अर्थ की भी खोज करना आवश्यक है। इन कृमियों को यहाँ अराय कहा है। इस शब्द का अर्थ ना देने वाला है। ये कृमि आरोग्य को नहीं देते, खून को नहीं देते, आयुष्य को नहीं देते तथा शरीर की शोभा और बल को भी नहीं देते, क्योंकि इनसे अनेक रोग होते हैं और उस कारण उक्त बातों का क्षय होता है। रोग कृमियों के कुछ लक्षण निम्नलिखित शब्दों द्वारा प्रकट होते हैं, अतः ये शब्द अब देखिए। द्वितीय मंत्र में निम्नलिखित रोग जंतुओं के नाम होते हैं। रोग कृमियों के नाम, पहला पलाल अनुपालालो, मांस जिनको अनुकूल है, मांस रस से जो बढ़ते हैं, मांस खाकर जिनकी वृद्धि होती है। दूसरा शक्रोह, हिंसक जो नाश करते हैं। तीसरा कोकह, काम को बढ़ाकर वीर्य नाश करने वाले। चौथा मलिमलच, मलिनता से बढ़ने वाले, मलिनता में उत्पन्न होने वाले। पांचवा पलिजकह, पलित रोगों को करने वाले। छठा आश्रेशह, किसी के साथ रहने वाले। सातवा प्रमिलीनी, सुस्ती लाने वाले। इस मंत्र के अन्य शब्द वब्रीवासत शक्षिग्रवह, ये खोज करने योग्य हैं।
क्योंकि इनका अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ है। पंचम मंत्र में निम्नलिखित शब्द है, आठवां कृष्ण काले रंग वाले किवा खींचने वाले, नौवां केशी बालों वाले अथवा तंतु वाले, दसवां असुर अर्थात प्राण घात करने वाले, ग्यारह तुंडिक अर्थात छोटे मुख वाले, बारह अराय अर्थात आरोग्य आदि ना देने वाले। इस पंचम मंत्र में स्तवंज शब्द है, इसका अर्थ समझ में नहीं आता है, अतः वह खोज की अपेक्षा करता है। षष्ठ मंत्र में निम्नलिखित शब्द है, सोलह अनुजिग्रह अर्थात सूंघने से शरीर में प्रवेश करने वाले, नासिका द्वारा शरीर में प्रवेश करने वाले, फेफड़े में जो जाते हैं। चौदह प्रमर्शन स्पर्श करने वाले, स्पर्श से प्राप्त होने वाले स्पर्श जन्य रोग के बीज। पंद्रह क्रव्यादह मांस खाने वाले, शरीर का रक्त और मांस खाने वाले। सोलह रेरिड हिंसक घातक नाशक। सत्रह शवश की ही कुत्ते के समान पीड़ा करने वाले। इसी प्रकार अन्य मंत्रों में जो शब्द हैं उनका भी यहाँ विचार करेंगे तो उनको इन रोग कृमियों का ज्ञान हो सकता है। इन सब रोग बीजों को पिंग बज दूर करता है, इस विषय में निम्नलिखित मंत्र भाग देखने योग्य हैं। पिंग बज गर्भाशय में आधान किया हुआ गर्भ उत्तम रीति से धारण किया जावे, गर्भाशय में स्थित गर्भ पतन को ना प्राप्त हो, ये दोनों तीव्र औषधियां उसकी रक्षा करें। इन रोग बीजों से उत्तम संतान होने के लिए पिंग वनस्पति से गर्भाशय की रक्षा होती है। 21वें मंत्र के रोग बीज वाचक शब्द बड़े दुर्बोध हैं तथा इस सूक्त में कहे पिंग वज वनस्पति का भी कुछ पता नहीं चलता कि यह वनस्पति कौन सी है। वैद्य ग्रंथों में इनका नाम नहीं है, अतः इनकी खोज होना कठिन है। श्री सायनाचार्य जी ने अपने अथर्व भाष्य में इस सूक्त पर भाष्य करते हुए इसका अर्थ श्वेत संघर्ष किया है, अर्थात सफेद सरिता सरसों राई, संभव है यही पिंग बज का अर्थ होगा। इसके गुण वैदिक ग्रंथों में निम्नलिखित प्रकार दिए गए हैं। पिंग बज के गुण, सरीसा तिक्त तीक्ष्ण उष्ण वात और कफ को हटाने वाला, कृमि और कुष्ठ रोग को दूर करने वाला, श्वेत और काका, ऐसे इसके दो भेद हैं। यह कटु उष्ण वात शूल का नाश करने वाला, गुल्म कंडू कुष्ठ व्रण का नाश करने वाला है, वात रक्त दोष को दूर करने वाला, त्वचा के दोष को दूर करने वाला, विष से उत्पन्न व्रण को हटाने वाला है। सरिस के तेल के गुण ये हैं, वात कफ विकार को दूर करता है, कृमि और कुष्ठ का नाश करता है और आँख के लिए हितकर है। इस वर्णन में सर्पों का गुण कृमि नाशक कुष्ठ नाशक दिया गया है, जो पूर्वोक्त सूक्त के उपदेश के साथ संगत है, अतः बहुत संभव है कि यही अर्थ पिंग बाज का होगा। इसकी विशेष खोज होना अत्यंत आवश्यक है। वस्तुतः यह सब सूक्त ही विशेष खोज करने योग्य हैं, क्योंकि इनके कई शब्द और कई दुर्बोध हैं और आधुनिक कोशों से इनका अर्थ करने के लिए कोई विशेष सहायता नहीं मिलती। जिनके पास खोज करने के विशेष साधन हैं, वे इस दिशा से यत्न करें।